नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जहां एक और अब जांच में तेजी आई है, तो वहीं अब बिहार चुनाव से पहले इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। बिहार बीजेपी के आर्ट एंड कल्चर सेल की ओर से एक स्टिकर जारी किया गया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मुस्कुराते हुए एक तस्वीर लगी है। हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत के साथ एक स्लोगन भी लिखा है, न भूले हैं न भूलने देंगे। अब इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव ने दस्तक दे दी है, जल्द ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बार बिहार चुनाव में विकास के साथ ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी चुनाव का मुद्दा बने हुए हैं। फिलहाल बिहार में सुशांत के एक स्टिकर पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल बिहार बीजेपी के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ ने सुशांत के 30,000 स्टिकर और सुशांत के चेहरे के तस्वीर वाले 30,000 फेस मास्क भी पूरे राज्य भर में बांट दिए हैं, जिस पर उनकी तस्वीर के साथ लिखा है हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत। इसके साथ एक स्लोगन लिखा है, जिसमें लिखा है न भूले हैं न भूलने देंगे। इस स्टिकर पर अब राजनीति शुरू हो गई है, जहां एक और विपक्षी पार्टी ने बीजेपी पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में स्टिकर और फेस मास्क के जरिए बीजेपी पर पार्टी का चुनावी प्रचार करने का आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए अब यह कर रही है, क्योंकि अगर मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो धीरे धीरे सच भी सामने आ रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के पास चुनाव लड़ने के लिए इससे जरूरी और भी मुद्दे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, लॉकडाउन में आए लाखों प्रवासियों के पास काम नहीं है, वे फिर से पलायन के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी मामले को लेकर जमकर प्रतिक्रिया आने लगी है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, काश ये शब्द आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से मरने वालों के लिए भी लिखे होते कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे। वहीं बीजेपी के कला एवं संस्कृति प्रतिकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वरुण कुमार सिंह कहते हैं, इसे राजनीतिक और चुनाव से जोड़ना गलत होगा। हमारे संगठन से सारे कलाकार ही जुड़े हैं और यह बतौर कलाकार सुशांत के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। वरुण का कहना है कि सुशांत की मौत के दूसरे ही दिन से सीबीआई जांच के लिए बीजेपी ने आवाज उठाई थी, एक अभियान चलाकर पार्टी के शीर्ष नेताओं को इससे जोड़ा, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे और इसी क्रम में कुछ कलाकारों ने सोचा कि वे अलग तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करें। बिहार में एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू भी बीजेपी के समर्थन में उतर गई है, लेकिन इसी बीच एनडीए के सहयोगी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। चिराग पासवान सीबीआई जांच में देरी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते दिखे। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर के बाद विपक्षी पार्टी आरजेडी ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। यह पोस्टर जेडीयू को पोस्टर के जवाब में दिया गया है। इस पोस्टर में लिखा था कि विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी यादव की सेना ने भी नया पोस्टर जारी कर बिहार में युवा सरकार बनाने की बात कही है। दरअसल बिहार में पोस्टर वार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन भी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की गतिविधियों और तैयारियों को देखकर लगता है कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में तय समय पर ही कराए जाएंगे और सभी पार्टियों ने चुनाव की कैंपेनिंग भी लगभग शुरू कर दी है। सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आपको बता दें कि 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। केस के कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बिहार चुनाव में विपक्ष के आरोपों के बीच अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सियासत जो हो रही है उसका बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।
अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।